नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशन ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही अच्छी है और आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक कहानी है हमारे हीरो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर की। उन्होंने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण किया था और वहाँ पर काफ़ी स्कूल ऐसे पाए थे जिनकी बिल्डिंग बहुत ख़राब थी, और उन्होंने इसके अगेंस्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस डाला था और वो आज जीत गए हैं। उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि क्या रहा उस केस का, क्या था। चलिए सुनिए एक हीरो की ज़ुबानी, और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि वो इस पूरे इंडिया में एक इस तरह के हीरो बन जाएं जैसे वो बनने चाहिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। ये रही वो वीडियो जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए वीडियो। जिन 8 स्कूलों का हमने इंस्पेक्शन किया था फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूलों का, और ये पाया था कि वो जर्जर बिल्डिंग है और इसमें लगभग 8,500 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, और वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हुई हुई है कि ये डेंजरस बिल्डिंग है। लेकिन सालों से जो हरियाणा सरकार है उसने उनको पुरानी बिल्डिंगों को गिराने का कोई कदम नहीं उठाया और नई बिल्डिंग बनाने की कोई कोशिश नहीं करी। इसको लेकर हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फाइल किया था और आज उसकी सुनवाई हुई है, और उसमें हरियाणा स्टेट ने अपना जवाब दाखिल किया है और माना है कि ये स्कूल जो है काफ़ी खराब हालत में है, और उन्होंने हाईकोर्ट को ये बताया है कि हम इन सारे स्कूलों को ठीक कर रहे हैं, इसके लिए टेंडर का फ्लोट कर रहे हैं और काफ़ी पैसा एलोकेट कर दिया है, और एक तरीके से इनको ठीक करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन अभी सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरा सवाल ये भी है कि हरियाणा के और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उनमें भी बहुत बहुत स्कूल जो हैं जो सरकारी हैं उनकी बिल्डिंगों की हालत ख़राब है, और ख़तरनाक बिल्डिंगों के अंदर जो है हजारों हजारों बच्चे जो हैं आज भी पढ़ रहे हैं। तो हरियाणा सरकार को चाहिए कि वो उन सारे स्कूलों को चेक करके और जो सही बिल्डिंग है और जो सुविधाएं हैं बच्चों को वो दे। हम इस मामले को जो है अगली तारीख को हाईकोर्ट के सामने उठाएंगे और हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हरियाणा स्टेट को ये डायरेक्शन दे कि अपने जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंगों के बारे में, उनमें बेसिक सुविधाओं के बारे में जो है स्टेटस रिपोर्ट दे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हरियाणा सरकार जो है वो अपने सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको ठीक करेगी।